अभी जस्ट शिफ्ट सेकेंड के पेपर खत्म हुए हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि आप तक जो है जल्द से जल्द क्वेश्चंस बता सके और कैसा था ओवरऑल सीडी पेपर वो आप तक बता सके। जैसे ही शिफ्ट फर्स्ट पेपर खत्म हुआ था, पेपर एनालिसिस शिफ्ट वन का पूरा समीर सर के चैनल पे अपलोडेड है वो वीडियो। उन्होंने डायरेक्टली फिर स्टूडेंट से बात करके उस स्टूडेंट का रिएक्शन जान के कि क्या था पेपर में, वैसे ही आपको बताया था। इधर मैं आपको शिफ्ट सेकंड का एनालिसिस पूरा बताने वाली हूँ, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और शिफ्ट वन से शिफ्ट टू में क्या क्या क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट था, शिफ्ट वन ज्यादा डिफिकल्ट था कि शिफ्ट टू ज्यादा डिफिकल्ट था, ओवरऑल क्या लेवल आ रहा है, कैसे क्वेश्चन बन रहे, ये सब हम अभी आगे के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ओवरऑल जानते हैं कि ओवरऑल सीडी में पेपर कैसे पूछ रहे हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो स्टूडेंट से यही सुनने मिल रहा है फिजिक्स जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट जा रहे हैं, और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो सभी स्टूडेंट को केमिस्ट्री जो है वो इजी जा रहे हैं, और जो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स जो है वो मॉडरेट जा रहे हैं। तो टोटल हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि फिजिक्स हमारा मॉडरेट टू डिफिकल्ट जा रहा है, केमिस्ट्री इजी आ रहा है जैसे कि हमेशा ही आते हैं, और जो हमारा मैथ्स है वो मॉडरेट आ रहा है। अभी क्वेश्चन किस टाइप के बन रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं पूरा बोर्ड भरा हुआ है, सारे क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल हो सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने लिखे वन बाय वन, अभी डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले मैंने आपको कितने बार बोल के रखा है कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नेम रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन शिफ्ट वन के भी पेपर में आपको देखने मिला था, गेटरमैन कॉच फॉर्मुलेशन पे, यहाँ पे भी आपको विलियमसन सिंथेसिस पे आपको एक नेम रिएक्शन देखने मिल रहा है। तो अभी तक आपने नेम रिएक्शन नहीं किया है तो नेम रिएक्शन करके रख लीजिए। इसके बाद ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव पे एक क्वेश्चन बना था, देन क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल बन रहा है, काफी इजी कॉन्सेप्ट है। क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट पे आपको एक न्यूमेरिकल मिला था शिफ्ट सेकंड के पेपर में, देन डेंसिटी का था, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करते आपको मोलार मास निकालना था सॉलिड स्टेट चैप्टर से, देन सेल कॉन्स्टेंट। अगर आपने वो वीडियो देखा है समीर सर का तो आपको उधर पता होगा कि शिफ्ट वन में भी सेल कॉन्स्टेंट पे एक न्यूमेरिकल बना था और सेकेंड शिफ्ट में सेम सेल कॉन्स्टेंट पे फिर से एक न्यूमेरिकल बना। तो ये जो है वो काफी बेसिक टॉपिक है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे दो क्वेश्चन बने सेल कॉन्स्टेंट न्यूमेरिकल के ऊपर। इसके बाद बात करें तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 का निकालने बोला था, तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब भी जो काफी जो इनके ऑर्डर है आप वो सारी चीजें करके रखिए। देन उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक, जो भी केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, आपको ऑर्डर निकालने बता देगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट बता देगा, देन उसमें कैटलिस्ट क्या है, ये सारी चीजें जो है वो काइनेटिक चैप्टर से पूछे जा रही है और देखे जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते थे। उसके बाद पूछा था अरहेनियस इक्वेशन पे, देन उसके बाद बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, अभी लिगेंड्स के सारे दिए थे उसमें से पूछे थे कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन सा है, और देन उसके बाद था नायलॉन सिक्स पे पॉलीमर पे यूजेस उसका पूछा था, और कोई था एक स्ट्रक्चर था वो हमको बताना था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री से बने थे। उसके अलावा भी एक क्वेश्चन था SO2 is not used as, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बने थे कि आप देख सकते क्वेश्चन खुद ही देख के कि जो जो मैंने आपको बताया था कि आप बेसिक बेसिक सारी चीजें करके जाइए, वही बेसिक सारी चीजें पूछे जा रही है, न्यूमेरिकल भी इतना हाई लेवल नहीं देखने मिल रहा, आपकी सिंपल ही न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे, नेम रिएक्शन पूछे जा रहे, मतलब जो एक्सपेक्टेड था वही सारी चीजें यहाँ पे जो केमिस्ट्री में है वो देखने मिल रही है। अब बात करते हैं मैथ्स में कि मैथ्स में कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इधर पे मैथ्स में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप पे, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे, देन ये दो क्वेश्चन जो है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये दो क्वेश्चन जो है वो देखने मिल रहे हैं। वेक्टर से हो गया, लाइन से हो गया, थ्री डी से हो गया, ये तीनों ही चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन देखने मिले। तो अभी तक आपने वो चैप्टर नहीं किया तो चैप्टर वो करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर। उसके बाद लॉजिक से दो क्वेश्चन बने थे निगेशन के ऊपर, फर्स्ट एक हमारा सेंटेंस दिया था, सेकंड जो है वो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ था। तो लॉजिक के अभी सिंपल ही चैप्टर है, ज्यादा टाइम वेस्ट चैप्टर नहीं है, फटाक से इजी टू स्कोर चैप्टर है। उसके बाद बात करें मैट्राइसिस का, तो वहां पे 2x2 और 3x3 का इन्वर्स निकालने बोला था मैट्राइसिस में, जो कि काफी ज्यादा इजी, ये भी जो इधर पे भी स्कोर जो है वो गंवाने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। उसके बाद जो था हमारा ज्वाइंट इक्वेशन था पासिंग थ्रू ओरिजिन, और देन उसके बाद था एरिया अंडर कर्व। अभी ये एरिया अंडर कर्व यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट वन के भी पेपर में एरिया अंडर कर्व का एक क्वेश्चन आपको देखने मिला था, सेम यही टाइप का था, एंड देन सेकंड शिफ्ट में भी आपको सेम यही टाइप का क्वेश्चन देखने मिला है। मतलब इसको ये टाइम पे फर्स्ट डे में ये टॉपिक से दो क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुके हैं, तो मार्क करके रख लीजिए, जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर
उसके बाद बात करें एओडी से, एओडी से आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे जो क्वेश्चन थे वो देखने मिले थे। देन उसके बाद ऑर्डर और डिग्री पे क्वेश्चन देखने मिले थे। देन उसके बाद फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अभी ये जो है इस पे आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ऑप्शन दिया था, उसमें से आपको ऑप्शन टिक मार्क करने थे। एंड देन कंटिन्यूटी पे एक क्वेश्चन था कि फाइंड के था और लिमिट्स गिवन थे, वो लिमिट्स पुट करके आपको के की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पे जो था मैथ्स के ये सारे क्वेश्चंस देखने मिल रहे। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो प्ले करते हैं हमारे पी वाई क्यू काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काफी सारे स्टूडेंट्स यही बोल रहे कि सर पी वाई क्यू से क्वेश्चंस मिल रहे, पी वाई क्यू की जैसा कॉन्सेप्ट है वैसा ही मिल रहा है। तो अभी तक आपने अगर पी वाई क्यू नहीं करके रखा है तो पी वाई क्यू जरूर से देखिए। पास्ट 5 ईयर्स के जितने भी पी वाई क्यूज आप उनको देख के जाइए और ज्यादा टेंशन मत लीजिए। पेपर काफी इजी आ रहा है, अगर हम केमिस्ट्री और मैथ्स की बात करें तो पेपर काफी ज्यादा इजी आ रहा है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं भी हुई है तो आराम से अच्छे से पी वाई क्यूज देख के जाइए, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करके जाइए, इजी स्कोरिंग टॉपिक्स करके जाइए, आपका आराम से 100+ तक मार्क्स आने की चांसेस है पेपर का लेवल देख के। अभी हम बात करते हैं मैथ्स का, फिजिक्स का, जो कि स्टूडेंट्स काफी सारे स्टूडेंट्स से ये रिएक्शन मिला कि फिजिक्स जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है, फिजिक्स जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है। तो फिजिक्स की हम बात करते हैं, फिजिक्स से हमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिले क्योंकि आप जानते हो कि उसमें बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, बट जितने भी मिले वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला एक क्वेश्चन हमें मिला सिंपल पेंडुलम से, देन सेकेंड हमारा मिला रेजिस्टर सर्किट डायग्राम से। अभी आप फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट यहाँ से मैं फिर से कंपेयर करूंगी, आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी सर्किट डायग्राम देखने मिला था, यहाँ पे भी सर्किट डायग्राम देखने मिला, तो आगे भी चांसेस है कि आप सर्किट डायग्राम देखने मिल सकते हैं। तो आप जो है सर्किट डायग्राम पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कीजिए और उनको अच्छे से करके जाइए। देन उसके बाद हमारा पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये जो भी सब ये चीजें हैं वो आप उनको अच्छे से करके जाइए। उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें, सारे फॉर्मूलाज हैं उनको देख के जाइए। देन उसके बाद बोर्स मॉडल पे था, एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना था। देन उसके बाद ग्रेविटेशन पे न्यूमेरिकल्स थे, फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स ही पूछे जा रहे हैं और पी वाई क्यू से रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे ही आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम सीईटी के पेपर की बात करें तो हमें सीईटी का जो पेपर आ रहा है वो मॉडरेट लेवल पे आ रहा है, अगर मैं फिजिक्स को भी कंसीडर करूँ तो पी वाई क्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शिफ्ट 1 से कंपेयर करें शिफ्ट 2 के तो दोनों ही पेपर मॉडरेट लेवल पे आए, सेम क्वेश्चन जो है वो हमें रिपीटेशन यहाँ पे देखने मिल रही है। नोट डाउन करने की आपको क्या करना है, अगर आपके 22 सितंबर पे या आगे उसके पेपर है तो आपको क्या चीजें करके रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पी वाई क्यूज करने, पास्ट 5 ईयर्स के जितने भी पी वाई क्यूज है उनको करने, केमिस्ट्री में जितने भी सारे नेम रिएक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी सारे इजी न्यूमेरिकल्स है अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई तो वो अपना प्रिपेयर करके रखिए। मैथ्स में भी जितना मैंने बता दिया आपको वो सारी चीजें करके जाइए और फिजिक्स में भी पी वाई क्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनको भी देख के जाइए, उनको भी प्रैक्टिस करके जाइए, सारे फॉर्मूलेज अच्छे से रिविजन करके जाइए। तो होपफुली आपको ये जो एनालिसिस है वो काफी अच्छी लगी होगी और वीडियो भी आपको यूजफुल लगा होगा। आप जरूर से जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा आप ये वीडियो, ताकि उन्हें भी आगे का पेपर कैसा आने वाला है, कैसा डिफिकल्टी लेवल है वो पता चल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आपको फटाक से मतलब डायरेक्ट जैसे ही पेपर खत्म हो उसको आपको एनालिसिस जानना है पेपर की, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि ऐसे ही एनालिसिस आगे आपको और देखने मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।